No. Vai, vai. Prendi là. May I have your attention, please? Train number 1, 2, 3, 5, 4. Life 1 Junction, Haga Express from Life 1 Junction 2, Haga via Gaya, Hyderabad, Asansol, Haga Maestron, platform number 5. Welcome to Banaras. देख रहे हैं आप पीछे की सीन आपको दिखाऊंगा अभी। ये है वाराणसी जंक्शन जो आप देख रहे हो। एक बेवड़ा दोस्त यहाँ है, एक बेवड़ा दोस्त ये है। दोनों बेवड़े हैं जो उत्तराखंड से चल के अभी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ये देख रहे हो आप, ये पीछे मंदिर है। अभी हम लिफ्ट के मजे ले रहे हैं। अभी जो है मैं रूम देखने आ रहा हूँ, जंक्शन से निकल चुका हूँ। अरे आप इतनी बहसबाजी हो तो बड़ा ही बेहतर है। यहाँ घर से निकलो तो इतनी गर्मी है, अभी वाराणसी में निकलने लायक नहीं हो रहा है बाहर। अभी हम जाएंगे हरिश्चंद्र घाट, जहाँ हमें हर चीज़ की नॉर्मल रहेगा। और कौन कौन से घाट तुम घाट बताते रहो। अरे मेरे भाई बहुत घाट है, हम कितना याद करें। 80 घाटों से तो हम होके निकल रखे हैं। 4 घाट मेरे को पानी बढ़ चुका है इस बार। बल नहीं, अभी पानी नहीं भरा है। अभी नहीं भरा है, घुमाएगा 4 घाट और पूरा घाट घूमिएगा। पिछली बार मेरे को नाव का लिया था इन्हें 80 रुपया, इस बार कितने लेते हैं पता नहीं। इस बार लेगा 50 रुपये। नहीं तो उसको इस बार मोदी जी अंदर कराएंगे। अच्छा, शेयर वाले में जाइए ना। हाँ शेयर वाले से क्या करेंगे पर वो हाथ वाले का कितने का होगा? हाथ वाला बेडरूम देख रहे हो, ये बालकनी होगी। अब मैं सीधे अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे दो गधे दोस्त 2 करोड़ रुपये खर्च करके, यानी कि इतना लॉस करने के बाद इन्हें स्टूडियो रूम देख रहे हो आप। स्टूडियो रूम के अंदर सोए पड़े हैं दो गधे, एक गधा ये सोया पड़ा है, दूसरा गधा ये सोया पड़ा है। आए पड़े हैं घूमने के लिए, अभी तक इन्हें घूमने का कोई नाम नहीं है। तो लेट्स गो, देख रहे हो एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ लगा पड़ा है, एक यहाँ पता नहीं किस सोच में पड़ा पड़ा है। बाहर का सीन मैं आपको कुछ दिखाऊँ, कुछ इस तरह से यहाँ का सीन है। दोस्तों हो चुके हमारी कढ़ाई गरम, आप देख रहे हैं सामने सब साफ बैठे हुए हैं। आपको इतने निकाल खाएंगे अभी कि कैसा इनका फास्ट फूड रहता है, ये बाकी जानकारी मिलूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये है दुकान का लेआउट आप देख रहे हो। एक साइड आजकल लगे हुए हैं और एक साइड यहाँ के मैनेजर बैठे हुए हैं। मैं इनके मैनेजर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी दुकान के बारे में, सब बनारस के बारे में यहाँ की जानकारी थोड़ा बहुत मुझे देंगे। और जनता भी अच्छा और डाल दिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़े, और इनके जो ये इनका जो गरम पूरी आप देख रहे हो। और बाकी आपने सर ने आपको बताया है, लोकेशन आपको पता ही है सर, थोड़ा बहुत और बताएंगे अच्छा ही होगा। बनारस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे सर आपको। ये दुकान है राजा हरिश्चंद्र घाट की, जहाँ राजा हरिश्चंद्र अपने आप को खुद यहाँ पर बेच दिए आलू रोड के लिए। और यहाँ पर अप्रोच की दुकान रोज बहुत ही कन्वीनियंस है, आसानी से आप बैठ के आराम से खा सकते हैं यहाँ पे। और ये 500 मीटर मंदिर से दूरी है। अब यच्छू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 500 मीटर दूरी, दोनों के बीच में दुकान लोकेटेड है। आपने देखा सन्ने अभी से आप दुकान के बारे में बताया है और बनारस नाश्ता के बारे में बताया हुआ है। तो आप देखिए अभी मन के टाइम पे इतनी भीड़ है, ये पूरी मार्केट है, मार्केट आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है।
ये 7 बजे छुट्टी है, 11 बजे तक हम लोग बनारसी नाश्ता जो है प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पूरी सब्जी, जलेबी, लस्सी और जो है लस्सी और जलेबी ये सारा खाना उपलब्ध कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का जो है खाने का जो है रहता है खाना, 11 बजे से खाना खाली रेस्टोरेंट चलता है, फिर शाम को चाट और रेस्टोरेंट का जो है व्यवस्था एक दुकान में रहती है। तो दोस्तों आपने सर ने बताया आप दुकान के बारे में जानकारी, एक बार मैं अंदर का व्यू दिखा देता हूँ आपको होटल का। ये अंदर का छोटा सा व्यू है, आप देख सकते हो। साढ़े 10 हुए हैं, आप देख रहे हो अभी भीड़ लग चुकी है दिन के, अभी कारीगर साहब आ चुके हैं। कारीगर साहब को आप अपने बारे में रेसिपी बताएंगे कैसे क्या करते हैं, और बाकी जानकारी मैं लूंगा कि सुबह कितने बजे दुकान खुलती है। आप आके यहाँ पर एक बार टेस्ट कीजिएगा, फिर इसका आनंद लीजिए। अंदर जाए तो अंदर एक रेस्टोरेंट सा बनाया हुआ है, जो कि हाल ही इनका खुलने वाला है। वर्तमान में कह रहे थे कि अभी इसके बाद इनका एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है। आप देख सकते हैं ये इनका बैनर है लगा हुआ है टाकोन के नाम से। अभी मैं मैनेजर साहब से पूछूंगा इस दुकान के बारे में, इससे पहले मैं आपको थोड़ा व्यू और दिखाऊंगा, आप मेरे साथ। बनारस के बारे में और अपनी दुकान की लोकेशन सर बताएंगे मुझे, सुबह कितने बजे खुलती है, तो रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। मेरा दुकान सुबह 7 बजे जो है बारह में खुलता है, और ये दुकान बनती हूँ बनती चापनर हरिश्चंद्रपुर। आप ये इनका जो गर्मा गर्म पूरी आप देख रहे हो, और बाकी आपने सर ने आपको बताया है लोकेशन आपको बताई है सर, थोड़ा बहुत और बताएंगे अच्छा ही होगा। बनारस के बारे में सुनने बताएंगे सर आपको। ये दुकान है राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र घाट सीधे, जहाँ राजा हरिश्चंद्र अपने आप को खुद यहाँ पर बेच दिए आलू रोड के लिए, और यहाँ पर अप्रोच की दुकान रोज बहुत ही कन्वीनियंस है, आसानी से आप बैठ के आराम से खा सकते हैं यहाँ पे। और ये 500 मीटर मंदिर से दूरी है, बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी 500 मीटर दूरी, दोनों के बीच में दुकान लोकेटेड है। आपने देखा सर ने अभी आप दुकान के बारे में बताया है, और बनारस से नाश्ता के बारे में बताया हुआ है, तो आप देखिए अभी मन के टाइम पे इतनी भीड़ है, ये पूरी मार्केट मार के आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है। हेलो, छोटी क्लिप बनाने में पुलिस का कैमरा है, कोई नहीं वीडियो मेरे को भेज दियो, ठीक है। श्री विश्वनाथ मंदिर जाने वाला रास्ता है, आप देख रहे हो भाई शाम के टाइम 4 बजे के टाइम पे अभी आप भीड़ देख रहे हैं। ये है यहाँ की भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर वाली। तो 7 बजे आरती स्टार्ट होने वाली है, आप मेरे साथ बने रहे हैं, देख रहे हो आप अभी मैं गंगा पे हूँ, देखिए पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है। Thank you.
ये देखिए आप, ये ले रहा है भाई साहब, अभी मस्ती ले रहे हैं। एक बेवड़ा के बारे में पहले बताया, एक बेवड़ा ये है। अभी बैठे हैं काशी के जंक्शन में, नीचे घाट पे बैठे हुए हैं। ये क्या ले रहे हैं भाई, ये क्या है, ये डमरू है। मजे ले रहे हो डमरू के? ओ कमल जी कुछ ले लो यार, रुद्राक्ष। आइए हम, हमारा कमल जी यहाँ पर, हमारा एक बेवड़ा दोस्त है यहाँ पर, खो चुका है, क्या पता है ये कैमरे में मिल जाए। ये सामने मिल चुका है, चल चल भाई, मिल चुका है भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर एक केक कट रहा है। गुब्बारे से किए गए